Hey guys, welcome back my video. तो भाई लोगों, आज मैं आपको एक ऐसी कोरियन सीरीज बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तुम अपने भाई को पक्का याद रखोगे यार, मतलब लिटरली पक्का याद रखने वाले हो यार। इतनी ऑसम सीरीज है, मतलब ये सीरीज एक ट्रू कोरियन फैन के लिए है भाई। अगर तुम कोरियन फैन हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। तो कौन कौन रेडी है सीरीज को देखने के लिए? मुझे पता है यार, तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो सीरीज का, इसलिए तुम्हें बताने आया हूं मैं यार, क्योंकि तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता है यार, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए मैं थोड़ा बिका पड़ा हूं, मगर मैं काम तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार। तो गुरु, इस सीरीज का नाम क्या है? इस सीरीज में ऐसा क्या है जो तुम्हें इस सीरीज जरूर देखनी चाहिए? मतलब बवाल है, नहीं है? इस सीरीज के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, ये सब बताऊंगा मैं तुमको इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गुरु, जब ये सीरीज स्टार्ट होती है तो ये स्टार्टिंग से ही अपने हाइप को यहाँ बना के रखती है। ऐसी स्टार्टिंग एंट्री जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, जो लास्ट तक सोचोगे क्या इतना औसम कोई कुछ कर सकता है। फिर इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमको एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जिसको ये लगता है कि वो एक विच है। अब भाई, वो उसे लगता नहीं है, वो सच में छुड़ैल है, क्योंकि वो सच में इतनी औसम कैरेक्टर है सीरीज की, उसके बिना ये पूरी सीरीज बेकार है। इतनी औसम कैरेक्टर है ये, अगर तुमने एक बार इसको देख लिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ तुम इससे प्यार करने लगोगे, इतनी औसम कैरेक्टर है। सिया जिंग जी, मेरे ख्याल से यही इनका नाम होगा, मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ या नहीं बाकी तुम देख लेना नाम जो भी इनका। इन्होंने इतना बेहतरीन, इतना अच्छा, इतना सुपर काम करा अपने सीरीज में, भाई मैं फैन हो गया। तो इस सीरीज की जो लीड एक्ट्रेस है कोमोन यंग, इनके नाम यार कुछ ऐसे होते हैं मेरे पल्ले से बाहर है, मगर कहानी में तो ये एक बुक राइटर होती है जो बच्चों की किताब लिखती है, फेरी टेल वाली नहीं, चुड़ैलों वाली, मतलब हद से हद हॉरर भाई। पता नहीं क्या भूत सवार है इस औरत के ऊपर, बच्चों के जज्बातों के साथ ऐसे खेलती है भाई, कि तुम फैन हो जाओगे फिर भी इसके, क्योंकि इसका जो नजरिया होता है इस दुनिया को देखने का, वो बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा अलग होता है। और ये चीज आपको इस सीरीज में देखने के बाद पता लग जाएगी कि ये लड़की कितनी औसम राइटर है, और इसकी बुक्स की स्टोरी सुनकर भाई मैं बिक गया यार। इस लड़की ने गजब काम कराया। और इस सीरीज का मेल लीड कैरेक्टर जो एक नर्स है भाई, इतना सच्चा इंसान, इतना अच्छा इंसान तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा भाई। ये इस सीरीज का वो कैरेक्टर है जो इस सीरीज में चार चांद लगा देता है, जो अपनी पूरी जिंदगी हमेशा भागता रहा है सिर्फ अपने भाई की वजह से। अब ये चीज तो तुम्हें इस सीरीज देखने के बाद पता लगेगी कि वो क्या रीजन था जिसकी वजह से ये अपने भाई को लेके एक शहर से लेके दूसरे शहर में भागता रहा है। और यकीन मानो गुरु, जब तुम इस सीरीज को देखने लगोगे और इस बंदे की कहानी से कनेक्ट होने लगोगे, अगर तुम्हारी आंख से आंसू भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल कहानी भी है भाई इसकी। अब इसकी इतनी सैड स्टोरी का रीजन क्या है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता लगेगा। मैं बता रहा हूँ, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है भाई, मैं फैन हो गया उसका, और तुम भी फैन हो जाओगे उसका। मुझे तो रियल में ये लगा था कि कभी रियल में कपल ना हो, इतनी ऑसम केमिस्ट्री है दोनों, मतलब इस लड़की को उसको देख के प्यार हो जाता है। और बाकी कुछ और कैरेक्टर भी है जो इस सीरीज को और भी अच्छा बनाते हैं, मगर मुझे पसंद ये लेडीज आती है भाई। यार देखो, मैंने बहुत सारी कोरियन सीरीज देख चुका हूँ, मगर जब भी मैं इनको देखता हूँ ना, इनका एक ही रोल होता है, सबको अच्छा खाना खिलाना। अब पता नहीं ये हर सीरीज में सेम ही क्यों आता है, मगर बहुत औसम लगता है मुझे यार, चाहे वो ये सीरीज हो चाहे वो ये सीरीज हो भाई, इनको पेट भर के खाने के लाना है बस। जब आप इस सीरीज को देखने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लड़की इस लड़के को भाई प्यार करने लगती है इससे यार, मतलब इसको ये चाहिए, क्योंकि इसको जो पसंद आ गया उसको ये ले लेती है, अगर कोई नहीं देता तो छीन लेती है। इससे पंगा नहीं लेना, ये वो औरत है जो तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे ऊपर बुक लिख देगी और उससे पैसे कमा लेगी, इतनी शातिर औरत है। अब ये दोनों कैरेक्टर आपस में कैसे मिलेंगे, ये तो आपको सीरीज को देखने के बाद पता लगेगा, क्योंकि इस पूरी सीरीज की स्टोरी यही है इन दोनों के ऊपर, ये कैसे मिलेंगे, कैसे बिछड़ेंगे, कैसे इनको प्यार होगा एक दूसरे से, कैसे इनके बीच में नजदीकी बढ़ेगी, कैसे ये दूर होंगे, ये सब आपको देखने मजा आने वाला है इस सीरीज के अंदर। अगर मैं इस सीरीज में से किसी एक कैरेक्टर को चुनना चाहूँ बेस्ट कैरेक्टर, तो भाई सिर्फ वो यही है, क्योंकि इस किरदार को जितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने निभाया ना भाई, मतलब फैन भी यार एक छोटा बट लगता है मेरे को इसके आगे, इतना अच्छा था वो। इस सीरीज में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी सुन लो। देखो भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टार कास्ट बहुत बढ़िया, और अच्छी बात तो ये हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। और माइनस पॉइंट ये है कि ये सीरीज का सीजन 1 ही अवेलेबल है, 2 बना ही नहीं अभी तक यार, मैं बड़ा वेट कर रहा था। और एक और है, इसमें सिर्फ 16 एपिसोड है, मैं चाहता था कि 30 होने चाहिए थे, मैं पूरे देखने के लिए तैयार था। बाकी सीरीज तुम्हें कहां देखने को मिलेगी मैं बता चुका हूं नेटफ्लिक्स पे। अगर उसके अलावा तुम्हें कहीं डाउनलोडिंग का लिंक चाहिए तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मैं दे दूंगा। और मैंने एक और कोरियन सीरीज के ऊपर बात कर रखी है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ये वीडियो जाके देख लेना भाई, ऐसी सीरीज भी तुमने जिंदगी में देखी होगी, इतनी ऑसम सीरीज, मतलब इसके बाद देखो या इससे पहले देखो, मेरी नजर में दोनों ये तोड़ है यार, ये बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट है। तो भाई लोगों, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।